नवरात्र का दूसरा दिन है। आज के दिन माता के दूसरे स्वरूप यानी कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। देश भर में नवरात्र को लेकर खासा उत्साह भी देखा जा रहा है और देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ इस समय उमड़ती हुई नजर आ रही है। श्रद्धालु माता से सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं और पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ तमाम जो माता के दरबार है वो जय माता दी के से गुलजार हो रखे हैं और देश भर में नवरात्र की धूम इस समय देखने को मिल रही है। मंदिरों की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां पर मंदिरों में किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है वो आपको दिखाएंगे। और दूसरे दिन आपको बता दें कि देखिए ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा अर्चना आज की जाती है। दूसरा स्वरूप है ये माँ का और पहला दिन जो रहा घट स्थापना के बाद दूसरे दिन उपवास जो है वो जारी रहता है और इस समय भक्त जो है मंदिरों में पहुँच रहे हैं, माता के दरबार में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी माता के दरबार में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज खास दिन भक्तों के लिए क्योंकि नवरात्र का दूसरा दिन है। आज शारदीय नवरात्र जो इस बार आए हैं और इस बार माँ पालकी में सवार होकर आई हैं तो इसका भी बेहद खास महत्व है। और आज नवरात्र के दूसरे दिन माता के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज माँ के दूसरे स्वरूप यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है। माँ ब्रह्मचारिणी को ब्रह्मा से सिद्धि प्राप्त है और देश भर में आज के दिन ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा अर्चना की जा रही है। देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है और इसी के साथ जो कतारबद्ध होकर श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, इसको देखते हुए प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भीड़ व्यवस्था को लेकर जो है पहले से ही प्रशासन मुस्तैद था, इसको लेकर पहले से ही प्लानिंग कर ली गई थी और अब नवरात्र के दूसरे दिन भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो आज नवरात्र का दूसरा दिन है जहां माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना आज के दिन की जा रही। किस तरीके से मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है ये दिखाने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ईशा ठाकुर हमारे साथ चंडीगढ़ जुड़ गए, उसी के साथ दीपक सिंह कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले ईशा आपके पास ही आते हुए, ईशा कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं और आज नवरात्र के दूसरे दिन कितना उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है, दिखाइए भी और बताइए भी। जी बिल्कुल, देखिए आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी की आज पूजा अर्चना की जाती है और जिस मंदिर में मेरी मौजूदगी है ये सेक्टर 7 का प्राचीन काली माता मंदिर है। इस मंदिर की अगर विशेषता की बात करें तो ये चंडीगढ़ शहर जब बसा भी नहीं था उससे पहले इस मंदिर की स्थापना यहाँ पर की गई थी। एक बार मैं श्रद्धालुओं को यहाँ पर दर्शन करवाना चाहूँगी क्योंकि प्राचीन माँ काली का ये मंदिर है और दर्शक भी इस दर्शन कर सकते हैं माँ काली के और यहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता हैं, श्रद्धालु लगातार यहां पर पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं। इस मंदिर में देखिए माता के हर 9 स्वरूपों को दर्शाया गया है। माँ चामुंडा भी यहां पर विराजित हैं, उन्हें भी हम आपको यहां पर और दर्शकों को दर्शन करवाना चाहेंगे। इस आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से आप दर्शन कर सकते हैं कि किस तरीके से माँ को यहाँ पर सजाया गया है। नौ दुर्गा के 9 स्वरूपों की जिस तरीके से पूजा अर्चना आज के दिन की जाती है, बड़ा ही शुभ इस बार का नवरात्रे हैं क्योंकि इस बार नवरात्रे बड़े हैं और 10 दिन तक ये नवरात्रे चलने वाले हैं। 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना होगी, 12 तारीख को नवमी भी बनाई जाएगी और उसी दिन विजयदशमी भी बनाई जाएगी। और ये क्योंकि मंदिर की खासियत ये है कि बहुत पुराना मंदिर है और माँ काली की अगर बात करें तो कई ऐसी यहाँ पर पंडित का भी कहना है कि माँ काली की कृपा लोगों पर बनी हुई है। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि दूसरे नवरात्रे में किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है और क्या कुछ इस नवरात्रे को लेकर आप लोगों ने यहाँ पर व्यवस्था की है। नवरात्रा में ये मंगलवार के दिन यहाँ पर धूमधाम से जग होगा, 24 घंटा के लिए जग होता है। जैसे हमारा सुबह से ही जग प्रारंभ हो जाता है, पूरे रात चलता है ये जग। ब्रह्मचारिणी माता के नाम इसलिए पड़ा कि ये राजा शैल के घर में ये जन्म ली थी, हिमालय के घर में, और वहाँ पर एक बार इन नारद देवता नारद भगवान आए उनसे मिलने के लिए, उनको
पूरा प्रशंसा पूर्वक सेवा किए हिमालय राजा ने, और इनके लड़की के गुण अगुण के बारे में पूछने लगे, तो जितना तपस्वी और जिसका माँ बाप ले न हो, संसार के विरक्त हो, नीरस हो, अश्मशान में जो रहते हो, ऐसे उनका पति प्राप्त हो, इस तरीका से बात सुन करके हिमालय ने बहुत दुखी हुए। नारद जी ने उनको बताया कि इसका एक राज है, ये जितना इनमें गुण हैं ये सब भगवान भोला बाबा में हैं, और भोला बाबा के ही पति रूप में प्राप्त कर ले तो उसे बढ़ के कुछ हो नहीं। तो ये नारद जी के द्वारा भोला बाबा के मंत्र के प्राप्ति किए माता पार्वती, और ब्रह्मचारिणी के रूप में वहाँ से निकल गई तपस्या करने के लिए। वे लाखों वर्ष तक कंदमूल फल खा करके तपस्या करी, और इसके बाद में भोला बाबा के प्राप्त कर ली, उस समय से ब्रह्मचारिणी उनका नाम पड़ा। पंडित जी इस बार शुभ है क्योंकि नवमी और दसवीं एक साथ। नवमी और दसवीं, नवमी तिथि शनिवार 9:30 बजे तक मतलब है, इसके बाद में दसवीं तिथि प्रारंभ हो जाता है। उन्हीं मतलब रावण के जो दहन है शाम को ही होता है, शाम को ही शनिवार के दसवीं तिथि व्यतीत हो रहा है, इसलिए शनिवार के ही रावण दहन होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर श्रद्धालु भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आज दूसरा नवरात्रे हैं, इस बार का नवरात्रे बहुत शुभ माना जा रहा है, 10 दिन तक चलेंगे। आप भी प्राचीन मंदिर में आई हैं माँ काली के, किस तरीके से पूजा अर्चना कर रही हैं और कितना शुभ मानती हैं इन दिनों को? बस नवरात्रे तो पहले से ही शुभ माने जाते हैं, और बस फूल जो भी हमारे मतलब हमारी उसमें होता है श्रद्धा में, हम उसको चढ़ाते हैं। वैसे तो हम रोज़ ही मंदिर आते हैं, पर नवरात्रि ज़्यादा शुभ माने जाते हैं तो उसमें हम आते ही आते हैं। इस मंदिर में हमेशा आती हैं? हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे माँ काली के बारे में और नौ दुर्गा के बारे में, कितनी मान्यता है यहाँ? बहुत अच्छी मान्यता है, भगवान के बारे में तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कुछ नीति नीति ही कह सकते हैं। नवरात्रि किस तरीके से मना रही हैं? ऐसा तो कुछ खास नहीं, जैसा हमेशा रहता है वही सेम। आप क्या कहेंगे, नौ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही? जी, माता का आगमन हुआ है तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं माथा टेकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है माता को आने के लिए यहाँ पे। इस मंदिर की क्या विशेषता है, क्या मान्यता है? इस मंदिर की विशेषता है शनिदेव महाराज माता जी की, और यहाँ पे जो भक्त आते हैं शनिवार को काफ़ी ज़्यादा मेला लगता है यहाँ पर। देखिए एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि माता रानी के दर्शन यहाँ पर करवाए जाएं, प्राचीन काली माँ का ये मंदिर है, जो श्रद्धालु हैं अपनी आस्था से यहाँ पर पहुँचते हैं, और ऐसी मान्यता है कि जो भी मनोकामना यहाँ पर मांगी जाती है माँ काली और माँ चामुंडा उनकी मनोकामना पूर्ण यहाँ पर करती हैं। और नवरात्रि क्योंकि इस बार हैं और आज दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी जिन्हें तप की देवी माना जाता है, और आज उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। और ये जो मंदिर है ये जब चंडीगढ़ बसा भी नहीं था 1948 में, उससे पहले का ये मंदिर है, और श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, इस मंदिर की विशेष मान्यता है, जैसे कि आपने बताया कि चंडीगढ़ बसा भी नहीं था तब से मंदिर जो है वजूद में है, और यहाँ पर भक्तों की आस्था भी बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, सालों से यहाँ पर आ रहे हैं। दीपक सिंह भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं कानपुर से। दीपक, आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं, क्या कुछ इसकी विशेष मान्यता है, किस तरीके से आज के दिन भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है नवरात्र के दूसरे दिन? बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरीके से नवरात्र के नौ दुर्गा हैं और बड़े ही धूमधाम से पूरे देश में हिंदू लोग इसको मनाते हैं, अगर बात करें जिस मंदिर पे हम मौजूद हैं, ये मंदिर कानपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर पंथी क्षेत्र में स्थित है, काफी प्रसिद्ध मंदिर है और छोटा मंदिर है, काली जी का मंदिर है। अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो ठीक मेरे पीछे तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से जो भक्त हैं वो आ रहे हैं, वो पूजा पाठ कर रहे हैं। आज सुबह से देखा जा रहा है कि लगातार लोग आ जा रहे हैं, और जो भक्त हैं वो आ जा रहे हैं, गाना कीर्तन हो रहा है और पूजा कर रहे हैं। काफी पुराना मंदिर बताया जाता है, और इस मंदिर की ये भी मान्यता कही जाती है कि जो भी यहाँ लोग आते हैं, जो भक्त आते हैं, जो बात करते हैं, जो मानते हैं, वो जो है उनकी मुरादें पूरी होती हैं। और जिस तरीके से ये शहर से पनकी क्षेत्र में बसा हुआ है, काफी प्रसिद्ध मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, लेकिन यहाँ अगर बात करें भक्तों की तो भक्तों की भीड़
बहुत ज्यादा ही बनी रहती है सुबह से, और 9 दिन इसी तरीके से भक्तों की भीड़ रहती है, और यहाँ पर जो है आके भक्त पूजा पाठ माँ काली की करते हैं, क्योंकि माँ काली का ही ये मंदिर है। और जिस तरीके से आज नवरात्र का दूसरा दिन है, तो लगातार भक्त जो है वो सुबह से ही आ रहे हैं, और सुबह से लेकर शाम तक इस मंदिर में लगातार भक्त आते जाते रहते हैं, और भीड़ भी बनी रहती है। कुछ भक्त तो ऐसे हैं कि आके यहाँ बैठ जाते हैं, सुबह से शाम तक वो कीर्तन भजन गाने करते हैं। तो जिस तरीके से नवरात्र का आज दूसरा दिन है, तो भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और कानपुर के इस मंदिर की बात करें तो यह मंदिर कहा जाता है काफी पुराना, जब पनकी क्षेत्र बसा नहीं हुआ था तब से यह मंदिर बना हुआ है। हालांकि अभी पूर्णतः बन नहीं पाया, लगातार इसका कार्य चल रहा है, लेकिन इस मंदिर की मान्यता की अगर बात करें तो जिस तरीके से आसपास के लोगों ने बताया भी कि जो ये मंदिर है, जो लोग भक्त यहाँ आते हैं जो मनोकामना लेके अपनी, वो उनकी मनोकामना पूरी होती है, तो भक्तों का लगातार आना जाना यहाँ बना रहता है। बिल्कुल, आप देख ही सकते हैं महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं और पूजा अर्चना कर रही हैं, और इसी के साथ अन्य मंदिरों में किस तरीके से के लिए भीड़ आ रही है, तो क्या कुछ प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि अगर माता के दरबार में भीड़ आती है तो उसको लेकर व्यवस्थाएं करनी भी जरूरी है, जिसकी तैयारियां बहुत पहले से प्रशासन ने की हुई थी, तो कितनी वो जमीनी स्तर पर उतरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, उसी इस तरह कानपुर में अगर बात करें तो कानपुर में कई ऐसे बड़े मंदिर हैं और छोटे भी मंदिर हैं जहां पुलिस प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, और जो ज्यादा बड़े मंदिर हैं जहां भारी संख्या में भीड़ होती है वहां बैरिकेटिंग की गई, और वहां पुलिस के जो जवान है उनको तैनात किया गया है, ताकि किसी तरीके से भक्तों को कोई समस्या न खड़ी हो और आते जाते अपना दर्शन करें और इसके बाद अपने घर को जाएं। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से कानपुर में पूरी तरीके से व्यवस्थाएं की गई, पुलिस प्रशासन लगाई गई है, जगह जगह डाइवर्जन किया गया है जिस रास्ते पे मंदिर पड़ता है, ताकि आने जाने वाले भक्तों को उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े, और जगह जगह पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है ताकि भक्तों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, और सीसीटीवी कैमरे से मंदिर और मंदिर के आसपास से लेकर निगरानी की जा रही। तो कानपुर प्रशासन भी पूरी तरह से 9 दिन अलर्ट रहेगा, और मंदिरों में भी मंदिर के आसपास भी पुलिस प्रशासन का पहरा है और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही, ताकि किसी तरीके से कोई भी भक्तों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। निशु, बिल्कुल दीपक, तो प्रशासन यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। ईशा ने भी सुंदर दर्शन कराए, लगातार आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस बीच वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे कुछ ही देर में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, चलिए एक बार फिर से आपको दिखाएंगे नवरात्र को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की ओर से, और किस तरीके से तस्वीरें जो हैं वहां पर देखने को मिल रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए ईशा और दीपक हमारे साथ बने हुए। ईशा, आपके पास एक बार फिर आते हुए, ईशा देखिए इस बार का जो नवरात्र है वो काफी ज्यादा खास है, जैसा कि आपने खुद भी बताया, और इस बार माँ पालकी पर सवार होकर आ रही है, और आपके पास अगर पंडित जी मौजूद हैं तो उनसे पूछे कि क्या कुछ इसकी विशेष मान्यता है, कि क्या कुछ ये दिखाता है, दर्शाता है उनका पालकी पर इस बार सवार होकर आना, और इसी के साथ प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं नवरात्र को लेकर की गई है। देखिए, अगर नवरात्रों की बात करें तो अष्टमी और नवमी के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और नवमी और अष्टमी और नवमी को लेकर ही प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। फिलहाल मंदिरों की अगर बात करें तो मंदिरों में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है इस वक्त, तो किसी तरीके की श्रद्धालुओं को भी समस्या नहीं आ रही है। जहाँ तक अगर इस बार नवरात्रि की बात करें, क्योंकि इस बार नवरात्रे बड़े हैं और नवमी और दसवीं एक ही दिन मनाई जा रही है पंडित जी, और साथ ही साथ माँ पालकी में इस बार सवार होकर आ रही है, कितना शुभ और क्या विशेषताएं? नवमी जो है ना शनिवार के जो 11 बजे तक हैं, 11 बजे के बाद में फिर दसवीं प्रारंभ हो जाएगा, तो नवमी के दिन शनिवार के माता के धूप दीप आरती पूजन धूमधाम से मनाया जाएगा हवन, इसके बाद में शाम को रावण के दहन होकर के और हम नवरात्रा के विसर्जन करते हैं, इसके बाद में धूमधाम के रावण को मना करके अपने अपने घर। ये बहुत शुभ हैं और ऐसे शुभ त्यौहार बहुत भाग्य लिए मिलता है, कहते हैं तो 50 साल के बाद में ही ऐसे शुभ त्यौहार आया है, और इसको नवमी के दिन व्रत करके पूजा करना सबसे विशेष करके लाभदायक है, माता की कृपा उसके ऊपर रहता है, जो भी रुका हुआ काम उसका होता है, उस व्यक्ति के जितना रुका हुआ काम है, शादी बच्चे के शादी हुई अथवा उसको दुश्मनों के ऊपर कोई भी आपत्तिजनक बात, वो सब विघ्न बाधा से वो टल जाता है माता की कृपा से। और माँ पालकी में इस बार सवार होकर आ रही हैं, कितना शुभ है इस बार? विशेष बहुत ज़्यादा ज़्यादा ले ज़्यादा शुभ है, इतना तो बहुत भाग्य नहीं आता है समय जो माता पालकी में बह करके आए, जब आप माता पालकी में ही बह के आ जाए उससे और कुछ बड़ा शुभ होगा ही नहीं, और
विशेष करके माता के नवमी के दिन पूजा हवन अर्चना करना और महान उसे मतलब ज्यादा से ज्यादा शुभ और कल्याणकारी इसमें। देखिए श्रद्धालु लगातार इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। प्राचीन ये मंदिर है, कितनी आस्था है मंदिर में और क्या कहेंगे, क्योंकि बड़ा शुभ है इस बार का नवरात्र। बहुत महान, पूरे चंडीगढ़ में एक ही मंदिर बहुत अच्छा मंदिर है। आस्था कितनी जुड़ी है, कुछ माता रानी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बहुत भगत बहुत आते हैं यहाँ, बहुत भगत आते हैं। आप क्या कहेंगे खास तौर से इस मंदिर की बात करें और नवरात्रे भी हैं, शुभ दिन माना जा रहा है, माँ काली की, माँ चामुंडा की आप लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं? मैम अब की बार जो नवरात्र आए हैं बहुत खुशी का दिन लेके आए हैं और यहाँ पे कभी भी आ जाओ, हर टाइम यहाँ इस मंदिर में लोगों की भीड़ लगी रहती है और इस मंदिर में ऐसा नहीं है कि हम ही आते हैं, यहाँ पर हम भी बहुत दूर से आए हैं पर इस मंदिर के बारे में हमने सुना है, इसी करके हम यहाँ आते हैं। और यहाँ पर कभी आ जाओ, चाहे नवरात्रि है चाहे नहीं ही है, तभी यहाँ पे श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। कितनी आस्था है इसमें? बहुत ज़्यादा आस्था है मैम जो, हाँ अगर कोई भी यहाँ पे या सच्चे दिल से कुछ भी मांगने आता है तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ से। कहाँ से आए आप? मैं रायपुरानी से आया हूँ। अच्छा, और यहाँ सेवा भी कर रहे हैं आप? हाँ जी मैम। देखिए आपने भी सुना कि किस तरीके की आस्था इस मंदिर को लेकर लोगों की है, क्योंकि वो ये इस मंदिर की बात करें तो स्थापना तब यहाँ पर इस मंदिर की गई थी जब ये चंडीगढ़ शहर बसा भी नहीं था। 1948 में चंडीगढ़ का ये शहर बसाया गया था, उससे पहले ही माँ काली माँ चामुंडा को यहाँ पर स्थापित किया गया था। और आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं लगातार इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुँच रहे हैं। एक बार हम बातचीत और भी करने की कोशिश यहाँ पर श्रद्धालुओं से करेंगे। नवरात्रे का शुभ दिन है, दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है, आप भी पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे नवरात्रों के बारे में? हाँ जी बहुत अच्छा है मंदिर, नवरात्रों में पूजा की जाती है माता की तो अच्छा ही होता है। आपने व्रत रख? नहीं व्रत नहीं रख। पूजा के लिए पहुंचे? हाँ जी हाँ जी। कितनी आस्था है इस मंदिर को लेकर? बहुत ज़्यादा आस्था है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ मंदिर में पूजा करना। कुछ कहना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? मंदिर में अच्छा है, अगर माता की पूजा अर्चना की जाए यहाँ आके तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल, देखिए लोग लगातार इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं और आज तस्वीरें भी आपको एक बार फिर से हम दिखा देते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं माता की पूजा करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और लगातार इस मंदिर को लेकर लोगों का यही कहना है जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं कि माता से जो भी आप कामना करते हैं आपकी मनोकामना माँ जरूर पूरी करती है, बस यहाँ पर श्रद्धा पूर्वक आपको पूजा अर्चना करने की जरूरत है। और आज दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का दिन है और इनसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, मन की शांति भी इनसे मिलती है। और इसी के साथ हमारे साथ केके शुक्ला भी अयोध्या से जुड़े हुए हैं। केके शुक्ला, क्या कुछ रामनगरी में तैयारियां की गई हैं नवरात्र को लेकर? आज दूसरा दिन हम तस्वीरों में ही देख सकते हैं आपके पीछे बेहद सुंदर तरीके से दरबार सजाया हुआ है, कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं, क्या कुछ इसकी विशेष मान्यता? जी नुस्ते जी, आपको बता दें कि ब्रह्मचारिणी माता जी का आज दूसरा नवरात्रि का दिन है। हम आपको बता दें अयोध्या जिले में नहीं पूरे विश्व में ये माता का जगह जगह जागरण चल रहा है, अनुष्ठान हो रहे हैं, कीर्तन भजन चल रहे हैं। इसी क्रम में हम इस समय अयोध्या जिले के बीकापुर तहसील क्षेत्र के शुक्लहिया गांव में स्थित हैं, जहां पर नव दुर्गा समिति पूजा समिति द्वारा यहां पर माता जी की प्रतिमा को सजाया गया है, अनुष्ठान कर रहे हैं और ब्राह्मण देवता पंडित जी आए हैं, लगातार आरती पूजन पाठ माता जी का चल रहा है। हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु निशु जी यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे बात भी करना चाहेंगे और हम आपको ये भी बता दें कि श्रद्धालु तन मन और धन से पूरा माता जी की सेवा में ब्रह्मचारिणी की आज दूसरा नवरात्रि है। हम बताना चाहते हैं आपसे इनका क्या कैसे पूजा करते हैं माता जी, माता जी की पूजा कैसे करते हैं? बड़े श्रद्धा से करते हैं, मन से करते हैं जी। ये बहुत श्रद्धा और माता जी को लाने के लिए लगातार क्षेत्र में ये बने रहते हैं। हमारे साथ एक श्रद्धालु और मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे माता जी के बारे में? माता जी के हम सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और हमारे से जितनी शक्ति है उतनी कर रहे हैं माता जी का जी। ये देख रहे हैं माता जी के पूजा में लीन है। हमारे साथ में और भी श्रद्धालु हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका? रावर। कितने सालों से बैठा रहे हैं पूजा? 3 सालों से। लगातार आप देख रहे हैं सुजीत, 3 सालों से दुर्गा जी के प्रतिमा को बैठा रहे हैं और अयोध्या जिले में
पूरा धूम मची हुई है। हमारे साथ में एक श्रद्धालु और मौजूद है, ये और जजमान है यहाँ के। क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि 3 साल से हम माता जी की सेवा कर रहे हैं। माता जी के दरबार में हम लोग सब पूरे ग्राम सभी ग्राम के सब कोई मिलके इनकी सेवा करते हैं, इनको हर साल लाने की इच्छा रखते हैं। यहाँ के जजमान हैं रामलाल जी, बता रहे हैं कि 3 वर्षों से लगातार ये गांव के सहयोग से पूजा अर्चना कर रहे हैं। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि माता जी के प्रतिमा को और नजदीक से दिखाना चाहेंगे नीतु जी की। यहाँ पर माता जी के प्रतिमा को अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है कि अयोध्या जिले में पूरा धूमधाम से अयोध्या जिले में ये जो माता जी की प्रतिमा है ब्रह्मचारिणी का दूसरा दिन है और लगातार आपको हम बता दें कि माता जी का अद्भुत नजारा और मुखता खोल दिया गया है अनुष्ठान के बाद में। इस वजह से आपको अयोध्या जिले में जगह जगह कीर्तन भजन और आपको निशु जी अभी बता दें कि पूजा पाठ में सब लोग लीन है। अयोध्या जिले के महावा शुक्लैया बीकापुर में स्थित गांव में रामलाल के नेतृत्व में गांव के लोगों द्वारा अब निशु जी आपको अभी बता दें कि ग्रामीण अंचल पर भी पूजा पाठ लोगों द्वारा किया जा रहा है और गली में गांव में भी दुर्गा प्रतिमा लोग बैठा करके अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली। यहाँ के पंडित जी मौजूद हैं, हम उनसे पंडित जी से भी बात करना चाहेंगे कि नवरात्रि के आज ब्रह्मचारिणी माता का दूसरा नवरात्रि का पर्व है, यहाँ पर पूजा पाठ कराने के लिए आए हुए हैं, ये कैसी पूजा पाठ कराते हैं आप? ये आज जो है माता जी का दूसरा दिन है माता ब्रह्मचारिणी जी का, जिसमें मिश्री और चीनी से बना हुआ युक्त जो है माता जी को आज भोग लगाया जाता है और माताएं जो है 9 दिन का जो है सब लोग यहाँ पे अनुष्ठान किए हुए हैं और ये है कि जो है माता रानी कृपा दृष्टि बनाए रहे हैं सबके ऊपर, इस गांव के ऊपर, इस परिवार के ऊपर, ताकि किसी को संकट ना हो, कोई कष्ट ना हो, सब लोग अपना जो है खुशहाल जीवन व्यतीत करें। इसी के साथ जो है जय माता दी। पंडित जी हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आज माता जी का दूसरा दिन है ब्रह्मचारिणी का, पूजा की विधि क्या है आज की? पूजा की विधि जो है मिश्री और चीनी से बना युक्त जो है वो माता जी को जो है भोग लगाया जाता है, जिससे माता जो है उनके परिवार को कष्ट को जो है पंचामृत से बना हुआ भोग लगाएं ताकि जो उनका जो है कष्ट दूर हो, क्योंकि ये दूसरे दिन माता जी का जो है लंबी उम्र के लिए किया जाता है ब्रह्मचारिणी जी का पूजा, और तृतीय दिन जो है चंद्र घंटा जी का होता है, उससे दुख से मुक्ति के लिए माता चंद्र घंटा का जो है पूजा किया जाता है, और चतुर्थ में जो होती है तेज बुद्धि के लिए किया जाता है, जिसमें कुष्मांडा माता जी का जो है पूजा किया जाता है, और पंचमी के दिन जो है स्वस्थ शरीर के लिए माँ स्कंद माता का केले का भोग लगाएं, और अष्टमी के दिन जो है सुंदरता पाने के लिए माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाते हैं, और सप्तमी के दिन जो है माता कालरात्रि की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पित किया जाता है, अष्टमी के दिन जो है संतान को समृद्धि समस्या से छुटकारा पाने के लिए महागौरी के नारियल का भोग लगाते हैं, नवमी के दिन सुख समृद्धि के लिए माँ सिद्धदात्री का हलवा चना पूरी का आदि का भोग लगाते हैं। इसी के साथ जो है माता जी का जो है सब लोग दशमी के दिन विसर्जन कर देते हैं। इसी के साथ जय माता दी। आप देख रहे हैं निशु जी लगातार माता जी के अलग अलग दिन किस प्रकार का माता जी को भोग लगाया जाता है, पंडित जी अभी बताए। हमारे साथ में यहाँ के इस गांव के जजमान उपस्थित हैं और ये लगातार सुबह शाम अपने परिवार के साथ में लगकर के पूजा पाठ कर रहे हैं। हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के माता जी की पूजा में लीन है और क्या कहना चाहेंगे आप माता जी के बारे में? हम क्या कह सकते हैं, माता जी तो अंतर्यामी है, वो सबके बारे में जानती हैं। हम बस इतना ही कर सकते हैं, जो हमारा कर्म है हम अपने कर्म के हिसाब से माता जी की सेवा करते हैं, बस माता जी ऐसे कृपा बनाए रखें। ये देखिए निशु जी, हम आपको ये भी बता दें कि जो अयोध्या की संस्कृत है, पल्लू में रह करके भगवान माता जी के दरबार में रह करके पूजा पाठ कर रहे हैं, और हम आपको ये भी बता दें कि लगातार अयोध्या जिले में हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं और रामलीला का फिल्म कलाकार यहाँ पर मौजूद है, और 3 तारीख से ही यहाँ पर बड़े बड़े फिल्म कलाकार जो हैं रामलीला का मंचन कर रहे हैं। रामलीला पर भगवान माता जी के नाम का कीर्तन भजन हो रहा है, जगह जगह पर पूजा पाठ हो रही है। हर दिन एक नया उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है, आज नवरात्र का दूसरा दिन है जहाँ माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। बहुत सुंदर तस्वीरें आप तीनों ने हमें दिखाई, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी तमाम तस्वीरों के लिए आपका रुख करेंगे। इस बीच भक्तों चला एक और छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे कुछ ही देर में। जैसे कि हमने आपको बताया कि आज नवरात्र का दूसरा दिन है और आज के दिन ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा अर्चना की जा रही है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं, और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, विकास गुप्ता MP ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और तुषार गुप्ता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं।
हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। विकास आपके पास आएंगे, विकास कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं, क्या कुछ इसकी विशेष मान्यता और इस बार के शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन कितना उत्साह लेकर आया भक्तों में? जी बिल्कुल, शुभ बता दें आज नवरात्र का दूसरा दिन है और ये मेहरगांव करौली माता का मंदिर कहलाया जाता है। करीब 140 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ की आस्था और प्रतिष्ठा इतनी है कि लोगों की जो मन्नत मांगी हुई है वह अधिकतर भरी हुई है। जो झोली अपनी भरने के लिए आते हैं वहाँ भी यहाँ पूरी होती है। यहाँ पे भक्तों का ये सुबह से ही है जो तांता लगा हुआ है, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। माता का जो श्रृंगार है वो विशेष रूप से किया गया है और यहाँ पे कई जो भक्त है वो सुबह से ही जल चढ़ाने और अपनी मन्नत मांगने के लिए सुबह से ही अपने मंदिर में आ रहे हैं। और मंदिरों में जो जयकारों का और घंटों की जो गूंज है वो बराबर गूंजती हुई नजर आती है। भक्तों की लगातार भीड़ लगी हुई है। जहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये भक्त हैं मंदिरों में जो आस लगा रहे हैं। भैया हैं हमारे साथ, भैया क्या नाम है? मेरा नाम अनिल रावत। कब से आ रहे हैं और क्या? मैंने माँ से शुभ समृद्धि के लिए मन्नत मांगी है। कब से आ रहे हैं? मैं यहाँ से लगभग 2 महीने से आ रहा हूँ। करीब देखिए 6 महीने से बराबर आए नवरात्र। बहन जी है हमारे साथ, बहन जी आप माता का दिन आप दूसरा कैसे आ रहे हैं और कैसे माता के क्या प्रतिष्ठा है? वही श्रद्धा भाव है और सबको आशीर्वाद दे, मन को शांति मिलती है। हाँ बहुत शांति, बिल्कुल मन को शांति मिलती है। बहन जी आप बताएंगे कि मंदिर आप आते हैं किस प्रकार आपकी आस्था है नवरात्र का? मंदिर बहुत अच्छा है, ये बहुत सालों सा है, इसमें नवरात्र में बहुत अच्छा होता है और यहाँ बहुत भक्तों की भीड़ भी बहुत रहती है, तो बहुत सुकून। देखिए बिल्कुल मंदिरों में लोगों की आस्था बराबर बनी हुई है और साथ ही यहाँ पर जो प्रतिष्ठा है, यहाँ पे अलग अलग दिन 9 दिन तक अलग श्रृंगार किया जाता है, अलग भोग लगाया जाता है, 56 भोग आखिरी दिन लगाया जाता है, विशेष भंडारा भी किया जाता है यहाँ, जो कि करीब शहर के 1 लाख से ज्यादा व्यक्ति यहाँ आता है। लेकिन यहाँ रेड़ी की जो प्रतिष्ठा है माता की वो बराबर लोगों में बनी हुई है। जी निशु बिल्कुल, तस्वीरों में हम देख ही सकते हैं किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर पहुंच रही हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं और इसी के साथ नवरात्र के दूसरे दिन खासा उत्साह भक्तों में आज के दिन है। तुषार गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं आप देहरादून से। तुषार आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं? देख सकते हैं कि महिलाएं आपके पीछे नजर आ रही हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं, कितना उत्साह आज के दिन नवरात्र के दूसरे दिन? देखिए बिल्कुल, अगर बात की जाए नवरात्रों का आज दूसरा दिन है और आज ब्रह्मचारी देवी की पूजा की जाती है। मैं देहरादून के सर्वे चौक स्थित माँ दुर्गा मंदिर में हूँ और आप देख सकते हैं माँ का स्वरूप यहाँ पर किस तरह से किया गया है, क्योंकि नवरात्रे हैं और ऐसे में जो विशेष पूजा अर्चना है वो मंदिरों में देखने को मिलती है और साथ साथ जो विशेष वस्त्र हैं इस दौरान देवी माँ को पहनाए जाते हैं, जो आभूषण हैं वो इस दौरान पाया जाता है। विशेष रूप से यहाँ पर श्रृंगार भी किया गया है नवरात्रों को देखते हुए। आप देख सकते हैं अखंड ज्योत यहाँ पर जलाई जाती है, क्योंकि मान्यता है कि अखंड ज्योत 9 दिनों जलाई जाती है। साथ साथ कलश भी आप इसके बगल में देख रहे होंगे, ये मान्यता है, ये जो विधि विधान है इस दौरान किया जाता है। और साथ साथ जो जौ है वो इस दौरान बोई जाती है, हरियाली जिसे कहा जाता है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह से जो उत्साह है वो इन 9 दिनों रहता है। आपका नाम क्या है? अर्चना राणा। 9 दिन ये पूरे नवरात्र रहते हैं, आज दूसरा दिन है, किस तरह से इस दिन भी पूजा अर्चना रहती है अगर बात की जाए मंदिरों की और घरों में? बहुत जश्न मनाते हैं धूमधाम से, यहाँ पे हम कीर्तन में आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है और माता के मंदिर में हम सुबह भी आते हैं शाम को भी आते हैं और बहुत ही ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की और माँ का भव्य स्वागत होता है और हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। और जैसे घरों की बात की जाए तो उसमें कलश रखा जाता है, साथ साथ जौ बोली जाती है, तो किस तरह से विधि विधान रहता है दिन का? अगर मैं बात करूँ तो दिन में किस तरह से पूजा शुरू होती है, शाम तक किस तरह पूजा चलती है मंदिर में? मंदिर के साथ साथ घर में अगर बात, घर में हम सुबह अपना उठ जाते हैं डेली रूटीन से, नहा धो के माँ का पूरा भोग लगाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और फिर इसके बाद हम मंदिर आते हैं। देखिए बिल्कुल, अगर भक्तों की बात की जाए तो उत्साह कितना रहता है अगर बात की जाए? उत्साह इन 9 दिनों में बहुत उत्साह रहता है, बड़ा उत्साह रहता है, इतना उत्साह रहता है कि 9 दिन तक मंदिर में मेला ही, माँ का मेला ही लगा रहता है।
देखिए बिल्कुल, अगर उत्साह की बात की जाए तो आप देख सकते हैं जो सर्वे चौक के पास जो दुर्गा मंदिर है, यहाँ के आसपास के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि उत्साह इन 9 दिनों में काफ़ी रहता है। जो महत्ता है मंदिर की वो अत्यधिक बढ़ती रहती है और कोशिश लोगों की कहा जा सकता है जो मन्नत रहती है उन्हीं 9 दिनों के लिए जो माता को मनाने की यहाँ पर कोशिश की जाती है कि तमाम तरह की मन्नतें लेकर लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और इससे ही आप जान सकते हैं जो माता का स्वरूप आप देख रहे हैं कि कितनी व्याख्या इस मंदिर की है। करीब 20 से 25 साल पुराना यह मंदिर है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो शाम को यहाँ पर आते हैं, कीर्तन यहाँ पर होता है, साथ साथ भंडारे का आयोजन होता है। देहरादून के साथ साथ उत्तराखंड के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं वहाँ पर भी इसी तरह का माहौल देखने को मिलता है, क्योंकि नौ दुर्गा हिंदू धर्म में काफ़ी महत्वता इस पूरे नवरात्रे की रहती है। और ब्रह्मचारी की अगर बात की जाए तो उनकी अगर कहानी की बात की जाए तो ये माना जाता है कि ब्रह्मचारी ने जो कई सालों तक जो तपस्या करी थी उसके बाद भगवान शिव उन्हें मिले थे। तो कहा जा सकता है तपस्या और तप का ये दिन है। जो लोग तपस्या और जो तप कर सकते हैं उनको माता प्रसन्न होकर जो मन इच्छा है वो प्रकृति है। यहाँ के मुख्य पुजारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी वार्ता करेंगे, उनसे भी जानेंगे। पुजारी जी आपका नाम क्या है? पंडित बालकृष्ण जगुड़ी। 9 दिनों की बात की जाए, दूसरा दिन है, क्या महत्वता है और किस तरह से आज पूजा अर्चना करनी चाहिए? आज कल से नवरात्रि शुरू हो गए और आज दूसरा दिन है, तो प्रथम दिन प्रथमम शैलपुत्री की पूजा कल हुई, आज ब्रह्मचारिणी की है। और इस प्रकार नव दुर्गा 9 दिन तक जो हम हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ करते हैं और माता दुर्गा सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली है। ब्रह्माणी कमलेन्दु सौम्यवदनम माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपद्रपनाशन करी चक्रायुधा वैष्णवी बाराही गण घोर घुरमुखी चैनन्द्र जबद्राधा चामुंडा गणनाथ रुद्र सहिता रक्षन तुमा मातरम। सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली, शत्रुओं का विनाश करने वाली, राक्षसों का वध करने वाली माता दुर्गा और धन धान्य को बढ़ाने वाली माँ का 9 दिन तक पूजा पाठ चलेगा और सभी भक्त लोग खुशी रहें, सुख समृद्धि से सबके लिए मेरी मनोकामना है और माता दुर्गा का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। यहाँ पर भव्य दरबार है माता का और यहाँ सर्वे चौक में जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। पंडित जी बात की जाए इन 9 दिनों में किस तरह से माता का श्रृंगार किया जाता है, क्या विशेष रूप से वस्त्र यहाँ पर पहनाए जाते हैं, किस तरह से पूजा अर्चना रहती है, कीर्तन होते हैं क्या? माता रानी का तो सुबह 4 बजे श्रृंगार हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर दुर्गा पाठ चलता है और शाम को भजन कीर्तन होता है और लोग ज़्यादातर लोग दर्शन के लिए आते हैं और प्रसाद भेंट करके प्रसाद प्राप्त करके माँ का आशीर्वाद लेके अपने घर को प्रस्थान करते हैं। देखिए बिल्कुल, अगर मैं दिखाना भी यहाँ पर चाहूँगा जो 9 देवियाँ हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। पहला दिन जिस तरह से माँ शैलपुत्री का होता है उसकी शुरुआत यहाँ पर होती है और दूसरा दिन जो महाब्रह्मचारी का आपको रूप नज़र आ रहा होगा, सफ़ेद वस्त्र में, हाथ में कमंडल और साथ साथ जो कमल का फूल है वो उनके हाथों पर नज़र आ रहा है। साथ साथ तीसरे दिन की अगर मैं बात करूँ कि जो कल है चंद्र घंटा की पूजा इसमें की जाती है, माँ दुर्गा के रूप में ही साफ पूरे साक्षात नज़र आती है। तो तमाम जो 9 दिन का पूरा जो देवियों की पूजा होती है उसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं वो साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो 9 दिन की जो माता हैं जो हर दिन पूजा जाता है और हर दिन इनकी अलग कहानियाँ होती हैं जिससे जो विश्व साथ साथ जो ब्रह्मांड है जिस तरह से उन्होंने रक्षा की थी वो रूप यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है 9 दिनों में काफ़ी उत्साह है, लोग उत्तराखंड के क्योंकि देवभूमि है, तमाम मंदिर हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और जो भक्ति है माता के प्रति वो साफ तौर पर लोगों के आँखों में ही झलक रही है। जी महिलाओं से आपने बातचीत की, कितना ज्यादा उत्साह उनमें देखने को मिला। दीपक आपके पास आएंगे लेकिन उससे पहले इस बीच रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो चलिए एक बार फिर से आपको दिखाएंगे मंदिरों की तस्वीरें। तमाम संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से। आपके पास आते हुए दीपक, देखिए जैसे कि आपने बताया कि मंदिर की मान्यता जो है वो बहुत पुरानी है और मान्यता पुराने होने की वजह ये भी होती है कि भक्तों की मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण होती हैं। आपने बात की होगी महिलाओं से, बच्चों से, पुरुष से या फिर बुजुर्ग जो यहाँ पर पहुँचते हैं उनकी मनोकामनाएं अब तक किस तरीके से पूर्ण होती नजर आई और कितनी श्रद्धा उनकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है?
बिल्कुल, जिस तरीके से अगर मंदिर की मानता की बात कर ले जाए तो जिस तरीके से यहाँ के जो भक्त हैं उन्होंने जिस तरीके से बताया कि यहाँ जब भी हम आते हैं और जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है, तो इसी को देखते हुए जो है ये मंदिर काफी जो है कानपुर के क्षेत्र से पनकी में स्थित है और काफी दूर दूर से लोग भक्त जो है यहाँ आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। यही कारण है कि सुबह से ही लेके शाम तक यहाँ जो है भक्तों का तांता लगा रहता है। नौ दिन तो लगातार यहाँ तांता लगा ही रहेगा। इसके अलावा भी जो अन्य दिन रहते हैं उस भी दिन जो है यहाँ मंदिरों पे भक्त लगातार आते हैं। हम तस्वीरों में दिखाएंगे आपको किस तरीके से यहाँ जो है भक्त जो है सुबह से ही आ जाते हैं और अपनी पूजा आराधना करते हैं और मंदिरों में तो पूजा आराधना करते ही करते हैं, साथ ही साथ जो है घर में भी अपने भक्त जो है वो करते हैं, ये कलश भी रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। यही वो मंदिर है और ये माता की मूर्ति है किस तरीके से विराजमान है और जो भक्त हैं वो सुबह से ही आ जाते हैं, सुबह से शाम तक यहाँ जो है भक्त पूजा करते हैं, अपनी मनोकामना के लिए मांगते हैं और कहा जाता है कि मंदिर में जो भी मांगा जाता है यहाँ भक्तों से वो उनका पूरा होता है। तो यही कारण है इस मंदिर की कि ये मंदिर काफी प्रसिद्ध माना जाता है और यहाँ से जो है आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां से लोग भक्त जो है वो लगातार आते जाते रहते हैं। और यहाँ के जो पुजारी जी हैं मौजूद वो अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन जैसे ही आ जाएंगे उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे और फिर और जानेंगे कि आखिरकार और मंदिर की क्या विशेष मानताएं हैं यहाँ की। लेकिन नौ दिन लगातार जो है नौ देवियों की जो पूजा है वो अलग अलग की जाती है, भोग लगाते हैं भक्त, श्रृंगार करते हैं और मंदिर के अलावा घर में भी जो है भक्त जो है नौ देवी की पूजा करते हैं। और पूरे देश में जिस तरीके से हिंदू धर्म में बड़े ही धूमधाम से नव दुर्गा मनाया जाता है और 12 तारीख तक ये नव दुर्गा रहेंगे और इसके बाद जो है नवमी भी मनाई जाती है और बड़े ही जो शुभ काम अभी तक नहीं हो रहे थे वो कल से स्टार्ट हो गए हैं। तो कानपुर शहर में जगह जगह देखे जा रहे हैं कि रामलीला और भागवत कथा ऐसे जो कार्यक्रम है वो चल रहे हैं, भक्तों से इस समय गुलजार होते हुए नजर आ रहे हैं। ईशा हमारे साथ बनी हुई है, ईशा के साथ कुछ भक्त भी मौजूद है, बात करिए ईशा। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ माता जी हैं, ये सबसे पुरानी भक्त हैं माँ की, जिस मंदिर में मेरी मौजूदगी है। क्या कहना चाहेंगे नवदुर्गा के रूपों को लेकर और साथ ही साथ माँ काली को लेकर? ये सभी शक्तियाँ माता रानी सब मन चाहे इच्छाओं को पूरा करने वाली हैं और भारत की पूरी रक्षा इन्हीं के ऊपर है और ये हमें इतनी शक्ति प्रदान करती हैं कि हम अच्छे जो भी कार्य चाहे हमारे अंदर शक्ति पर दे देती हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। सभी को इनकी पूजा करनी चाहिए, सभी स्त्रियां अगर सुहाग भाग और अपने आप यश वंश वृद्धि चाहती हैं तो इन्हीं का ध्यान करें और अपने बच्चों को भी इन्हीं की शरण में लगाएं। प्रतिदिन आप यहां पर आती हैं माँ की सेवा करने के लिए, कितनी आस्था जुड़ी है इनसे? बहुत अच्छा लगता है जब माता के दरबार में आकर शीश झुकाते हैं, जिस दिन ना आया जाए उस दिन बहुत बुरा लगता है हमें। बिल्कुल, देखिए एक और श्रद्धालु मेरे साथ हैं, ये वो शख्स हैं जो माता जिस मंदिर में मेरी मौजूदगी है माता रानी की सेवा करने के लिए और सुबह 3 बजे ही मंदिर पहुंच जाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में आप? देखिए यहाँ पे जो भी कोई आता है ना मंदिर में वो हमेशा लेके जाता है, चाहे कुछ भी हो मांग लो, उसकी इतनी कृपा है हर लोगों पे। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ अगर जो कुछ भी अगर जो दिल से मांगेगा ना वो लेके जाएगा। आप सुबह 3 बजे आ जाते हैं यहाँ पर सेवा करते हैं माँ की, अपनी माँ का रूप ही देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आंखें भी नम हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर को? बड़ी श्रद्धा है। मैं तो अपने बारे तो क्या कह सकता हूँ, माता की बारे में ही बोल सकता हूँ सिर्फ। देखो अब जैसे नवरात्रे हैं, नवरात्रे में हर रोज़ मतलब जो वस्त्र वगैरह हैं सब सारा श्रृंगार है वो सारा मैं ही करता हूँ। तो उसको मतलब मुझको ये होता है कई बारी जैसे कोई पोशाक ठीक से नहीं भी डलने की हो माता रानी अपने आप सजा देती है। आयु क्या है जी मेरी? 70 की है।
बिल्कुल, देखिए बुजुर्ग हैं काफ़ी और इनका यही कहना है, सुबह 3 बजे यहाँ पर पहुँच जाते हैं, माँ का श्रृंगार इन्हीं की तरफ से यहाँ पर किया जाता है, बहुत ज्यादा आस्था इनकी जुड़ी है माँ के साथ और यही वजह है कि आंखें भी नम है। माँ की क्या मनोकामना है, फिर से जाते जाते तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, जरा पूछिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मनोकामना पूर्ण हुई है इस मंदिर में आके, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ तो देखो हमें तो मिला ही मिला है, जो आता है ना उसको भी वो कोई खाली हाथ नहीं उसने लौटाया, देर हो सकती है अंधेर नहीं, सिर्फ क्या है इनको, इसको कुछ किसी पैसे की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है इनको, तो श्रद्धा चाहिए सिर्फ, जो श्रद्धा से आया उसने अपना सब कुछ ले लिया, किसी में उसने कमी नहीं छोड़ी। आपकी भी सारी मनोकामना मान? बिल्कुल, हमें तो जो कुछ मिला है, हम तो इसके इतने चमत्कार देखते हैं कि हम तो इसको जीते जी पा जाए, हमें तो यह कि ये हमारे तन मन में समा जाए, हम इसी के जाकर इसी की शरण में जाए, अंत में भी इसी के लोक में जाए। साझा करना चाहेंगे माँ के चमत्कार के बारे में, कुछ बताना चाहेंगे? देखो हम आप बीती बताएंगे, दूसरी की इस बीती नहीं बताते। देखो हमारे जैसा भांजा है ना, तो जिस टाइम उसकी मतलब बर्थ हुआ तो थोड़ी दिन दो तीन दिन के बाद डॉक्टरों ने बताया कि जी ये तो देखिए आंखें और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भावुक हो चुके हैं ये, और सबसे पुराना दंपति है जो यहाँ पर माँ की सेवा करने के लिए आते हैं, और माँ ने जो भी इनकी मनोकामना पूर्ण की है वो उनके आंखों में आंसू के जरिए आप देख सकते हैं कि कितनी श्रद्धा है माँ को लेकर, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जिस तरीके से भावुक हो चुके हैं, इनसे दोबारा बातचीत करना चाहेंगे, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि माँ की आस्था बहुत ज़्यादा है इनकी माँ के ऊपर, और माँ इस मंदिर में जहाँ मेरी मौजूदगी है, कहा जाता है कि ये इस दरबार में कोई भी अगर यहाँ पर आता है सच्चे मन से तो माँ उनकी हर कामना पूर्ण करती है। जी बिल्कुल, भक्तों में भावुकता तो जो है वो तो नज़र आएगी ही, क्योंकि जो उनका जुड़ाव रहा है माँ से वो निःशब्द है, उसके लिए कोई शब्द ढूंढना बहुत मुश्किल है। के शुक्ला भी हमारे साथ बने हुए हैं अयोध्या से। के शुक्ला, आपने दिखाया किस तरीके से पंडाल सजाए हुए हैं, क्या कुछ तैयारियां भक्तों की ओर से की गई है, तैयारियां प्रशासन की ओर से क्या की गई है, ये मेरा सवाल है, क्योंकि जगह जगह पर पंडाल लगाए गए हैं, मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं, भीड़ व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की? जी नुस्त जी, आपको बता दें अयोध्या जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। हम आपको बता दें चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। आपको हमें भी बता दें कि राम मंदिर के आसपास या हनुमानगढ़ी के पास में या कनक भवन या बड़ी देवकाली मंदिर पर, जो बड़े बड़े मंदिर हैं वहां पर भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। अयोध्या के SP राजकुमार नैयर और SP ग्रामीण बलवंत चौधरी द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है, किसी प्रकार की कोई विघ्न उत्पन्न न होने पाए और सुरक्षित 9 दिन माता के कीर्तन भजन में लोग लीन है। हम आपको यह भी बता दें कि जिलाधिकारी द्वारा यह लगातार गाइडलाइन दिया जा रहा है कि जो अब इस बार हाई टेंशन तार है उसके नीचे जो पंडाल लगते थे जो 11,000 है उसके नीचे कई बार देखने को मिलता था, ऐसे दुर्घटनाएं हो जाती थी, इस पर भी सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करा रहे हैं। अयोध्या जिलाधिकारी द्वारा लगातार अयोध्या जिले में जहां पर हाई टेंशन तार लगे हुए हैं वहां पर पंडाल न लगाने से श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है, और दूसरी जगह सरकारी जमीन हो या प्राइवेट जमीन हो वहां पर सुरक्षित माता जी के आराधना और प्रतिमा बैठा करके पूजा अर्चना कराने के लिए कहा जा रहा है। इसी क्रम में ग्रामीण अंचलों पर या थाना क्षेत्र हो या चौकी क्षेत्र हो, पूरे अयोध्या जिले में या गांव स्तर पर भी इस बार फोर्स की तैनाती की गई है। फोर्स की तैनाती के निगरानी में कहीं पर किसी प्रकार की विघ्न उत्पन्न न हो पाए, कोई हुड़दंग न होने पाए, इस प्रकार से चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती कर दी गई है, और सादे वर्दियों में भी उत्तर प्रदेश पुलिस अयोध्या जिले में तैनात है, और महिला हो या पुरुष हो हर
चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रही। आपको हमें भी बता दें, अयोध्या जिले में लगातार हजारों हजार की संख्या में कैमरे लगाए गए हैं, कैमरे से भी निगरानी हो रही है किसी भी श्रद्धालु का कोई सामान न गायब हो जाए या कोई दिक्कत न होने पाए। इस वजह से जो त्रिनेत्र कहा जाता है, कैमरे चप्पे चप्पे पर लगा दिए गए हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने पाए। इस वजह से अयोध्या जिले के एसएसपी द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और हम आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जूम ऐप के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग खुद योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। हम आपको यह भी बता दें कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना के साथ में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, जो एक बार उत्तर प्रदेश के मुखिया कहे जाते हैं, अयोध्या जिले से उनका काफी लगाव है, राम मंदिर से काफी लगाव है और अयोध्या वासियों से काफी लगाव है। तो जूम ऐप के माध्यम से प्रत्येक दिन हर एक अधिकारियों से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खुद ही कमान संभाले हुए हैं कि किसी प्रकार की दुर्गा माता जी के पूजा में विघ्न उत्पन्न न होने पाए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं और चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती कर दी गई है। हम आपको भी बता दें कि अयोध्या में डोगरा रेजिमेंट है, वहां पर भी दिव्य और भव्य माता जी की प्रतिमा बैठाई गई है। जो फौजी भाई हैं जो अपने घर नहीं जा पाते हैं और फौजी भाई सुबह शाम माता के आराधना में लगे हुए हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं, वहां भी फोर्स की तैनाती कर दी गई है। लेकिन कहा जाता है कि जहां पर पैरामिलिट्री फोर्स है एक बार खुद ही वह सुरक्षा कर रहे हैं देश की, लेकिन वहां पर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगातार अयोध्या के एसएसपी द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, दर्शन भी कराए, भावुक होते भक्त भी दिखाए जिनका माता से इस तरीके का जुड़ाव रहा है कि उनका जिक्र करते ही वो भावुक भी हो जाते हैं। बहुत सुंदर तस्वीरें आप सभी ने हमारे साथ साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए नेटवर्क 10।